फाइवर पे जितने लोग भी काम कर रहे हैं, स्पेशली वो जिन्होंने न्यू अकाउंट बनाया है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन यही होती है कि बायर रिक्वेस्ट में कैसे अप्लाई करें और क्या लिखें। जब मैंने भी फाइवर पे काम करना शुरू किया था तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं किस तरह अप्लाई करूं और क्या लिखूं। मैंने भी बहुत सर्च किया था YouTube, Google, हर जगह कि कहीं मुझे कोई ऐसा फॉर्मेट या टेम्पलेट मिल जाए जिसको कॉपी करके मैं बायर रिक्वेस्ट में अप्लाई कर सकूं, लेकिन ना ही मुझे ऐसा कोई फॉर्मेट मिला और ना ही ऐसा टेम्पलेट। तो फिर मैंने खुद से डिफरेंट तरह के फॉर्मेट बना बना के अप्लाई करने की कोशिश की और अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में जो फॉर्मेट, जो टेम्पलेट सबसे ज़्यादा मुझे बेस्ट लगे और जिनसे सबसे ज़्यादा मुझे रिजल्ट मिला, मींस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिले, आज वही टेम्पलेट, वही फॉर्मेट मैं आपसे शेयर करूँगा। बट शर्त वही है कि इसके फेवर में आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है ताकि मैं फाइवर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले क्विक सा रिव्यू दे देता हूँ कि बायर रिक्वेस्ट होती क्या है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हो जिनको अभी तक ये नहीं पता हो कि बायर रिक्वेस्ट क्या होती है। बायर रिक्वेस्ट ऐसी ही होती है जैसे जॉब वैकेंसीज होती हैं। किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए आप जिस तरह अपनी CV के थ्रू अप्लाई करते हैं, सिमिलरली बायर रिक्वेस्ट में आप एक फॉर्मेट, एक टेम्पलेट बनाते हैं जिसके थ्रू आप बायर रिक्वेस्ट में अप्लाई करते हैं। उस फॉर्मेट में अगर ये 3 पॉइंट्स होंगे तभी आप बायर की अटेंशन ग्रैब कर सकेंगे और वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। नंबर 1, आपका जो फॉर्मेट हो वो यूनिक हो, मींस जिस तरह सब लिखे अप्लाई कर रहे हैं आपका फॉर्मेट थोड़ा सा हटके हो, क्योंकि जिस बायर रिक्वेस्ट में हम अप्लाई करते हैं उसमें हम सिर्फ अकेले नहीं होते हैं, 50-60 लोगों ने और अप्लाई किया होता है और बायर सिर्फ उन्हीं को रिस्पॉन्ड करता है जिनका फॉर्मेट उसको थोड़ा सा यूनिक लगता है। नंबर 2, आपका फॉर्मेट रेलिवेंट होना चाहिए, मींस बायर ने जो जॉब डिस्क्रिप्शन बताई है उसी से रिलेटेड उसको आंसर होना चाहिए। ऐसा ना हो वो डिमांड कुछ और कर रहा है और आपके फॉर्मेट में कुछ और लिखा हो। बायर रिक्वेस्ट में लिखा हो कि उसे एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए और आपने एक वीडियो एडिटर का फॉर्मेट बनाया है और आप उसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि आई एम अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर। ऐसा भी लोग करते हैं। नंबर 3, आपका फॉर्मेट 2D पॉइंट हो, मींस मैक्सिमम 2 पैराग्राफ पे हो, इससे ज्यादा नहीं। इतना डिटेल में भी ना लिखे कि बायर उसको पढ़ने की जहमत ही ना करे, क्योंकि US, UK के क्लाइंट्स के पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो इतने डिटेल फॉर्मेट रीड करें। वो जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ या एक नज़र मारते हैं और जिसका फॉर्मेट उन्हें रेलिवेंट, टू दी पॉइंट और यूनिक लगता है वो सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और उससे बात करते हैं। एंड यस, फर्स्ट कम फर्स्ट टेक वाला क्राइटेरियाज में अप्लाई होता है, मीन जिसने सबसे पहले अप्लाई किया होता है उसकी एप्लीकेशन टॉप पे आ रही होती है। तो कोशिश करें जब भी आप बायर रिक्वेस्ट में अप्लाई करें तो एज सून एज पॉसिबल, और अगर जिस बायर रिक्वेस्ट में 25-30 लोगों ने पहले ही अप्लाई कर दिया हो तो आप उसमें अप्लाई ना ही करें तो बेहतर है। हमें डेली की 10 बायर रिक्वेस्ट मिलती हैं और 24 आवर्स का टाइम होता है, तो हमें बड़ी सोच समझ के और सही जगह अप्लाई करना चाहिए तभी हमें ऑर्डर्स मिलते हैं। ओके, सो ये तो हुई बायर रिक्वेस्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में सीखी है और जिसके थ्रू आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेवल 2 सेलर हूँ। अब दिखाता हूँ मैं आपको 2-3 बायर रिक्वेस्ट और इस तरह की बायर रिक्वेस्ट में आपको किस फॉर्मेट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। मैं आपसे वो फॉर्मेट भी शेयर करूंगा बट आपको थोड़ी सी जहमत करनी होगी,
और वो ये कि इस वीडियो को पॉज करके उस फॉर्मेट को टाइप करना होगा। उस फॉर्मेट को टाइप करना होगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। इसका रीजन ये है कि अगर मैं डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्मेट को डाल दूं, तो कोई भी वीडियो नहीं देखेगा और मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप थोड़ी सी मेहनत अपने लिए कर सकते हैं कि इस फॉर्मेट को एज इट इज कॉपी कर लें। जस्ट लाइक आप एग्जाम में अपने बराबर वाले या आगे वाले का देख देख कर कॉपी करते थे। इसको आप अपने मोबाइल के नोटपैड पे भी कॉपी कर सकते हैं या किसी डायरी में। बेहतर यही है कि इसको आप अपने मोबाइल के नोटपैड पे कॉपी कर लें, ताकि जब आप बाय रिक्वेस्ट में अप्लाई करें तो सिंपल कॉपी पेस्ट करें। वो भी मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है सर, आपकी मर्जी सर। सह लेंगे थोड़ा सा। अरे तो अब ये कुछ बाय रिक्वेस्ट आपको नजर आ रही है, और इनमें अप्लाई किस तरह करना है, क्या फॉर्मेट लिखना है, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपने सिर्फ इस फॉर्मेट में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है और अपनी गिग, अपनी स्किल से रिलेटेड थोड़ा सा टेक्स्ट इसमें ऐड करना है। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ एज इट इज सेम रहेगा, सिर्फ जो इसकी लास्ट लाइन में मैंने लिखा है कि आई हैव मेड सिमिलर वीडियोज एज पर योर गिविन डिटेल। तो यहाँ पे आप अगर वीडियो एडिटर हैं और वीडियो एडिटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या लोगो बना रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जस्ट लाइक आई हैव ऑलरेडी मेड लोगोज एज पर योर गिवन डिस्क्रिप्शन। इसके सेकेंड पैराग्राफ में आप थोड़ी सी अपने से रिलेटेड डिटेल्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई एम अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर। तो यहाँ पे आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, जिस चीज़ की आपने गिग बनाई हुई है, आप वही यहाँ पे लिखेंगे। जस्ट लाइक आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या आई एम अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो ये फॉर्मेट आपने अपनी प्रोफाइल में भी लिखा हुआ होगा अपने से रिलेटेड, तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी आगे का आप एज इट इज लिख सकते हैं कि आई अश्योर यू, इसके आगे मैंने जो भी लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड इसको कॉपी कर लेंगे। आपके पास वक्त है इस काम के लिए? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। थर्ड पैराग्राफ आप पूरा कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट में आप थैंक्स एंड रिगार्ड्स करके अपना नाम मेंशन कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक और फॉर्मेट शो कर रहा हूँ। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है और इसमें कहीं भी मैंने अपनी कोई भी एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, तो आप इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सबको रिप्लाई करता हूं एज सून एज पॉसिबल। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे तो मैं छलक पा जाऊंगा? अरे जाइए, जाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर बनाऊं, तो अभी कमेंट करके मुझे टॉपिक बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक फाइवर का क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।